अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, बहुत ज़्यादा शोर था तो यहाँ से अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं वॉइस ओवर के साथ। सामने जो ब्लू और येलो वाला दिखा रही हूँ, ये रहा स्कूल और ये रही हमारी प्यारी सी कार। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड तैयारी कर रहे हैं, अपनी सेकंड वाइफ के पास जा रहे हैं ईद वहाँ पर करने के लिए। तो बस सुबह सुबह इनकी तैयारी चल रही थी, और सुबह सुबह जैसे हम चाय पीते हैं तो यहाँ पे भाई लस्सी बना कर ले आए, और सब सुबह सुबह बस लस्सी पी रहे थे। यहाँ पे हमारी आयत को देखो, वो हमेशा की तरह, उसको कुछ ना कुछ मोबाइल पकड़ा दो तो वो कार्टून देख रही है, साथ में ये फारूक भाई की छोटी बेटी ये कुल्फियाँ खा रही है, और हम सब बैठ के अपनी लस्सी इंजॉय कर रहे हैं, और एक बचपन वाला टाइम भी याद कर रहे हैं कि ये भाई अम्मी सब यहाँ पर होते थे शुरू से, तो बहुत अच्छा लगता था। तो अम्मी भी लस्सी ले रही है, वरना सुबह सुबह सबकी आपको पता है कि चाय पीने की आदत है। गांव में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, गाँव के लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में लस्सी पीते हैं। तो आज है ईद का दिन, आप सबको ईद मुबारक। और यहाँ पर सुबह सुबह अली और डीडी भाई आए थे हमें ईद मुबारक, ईद मिलने, और साथ साथ अपने क्या लाए थे, मिठाई भी लेकर आए थे। और सबसे पहले अम्मी को ईद मिली, मुझसे ईद मिली, अली सबको ईद मिल रहा था, और अभी सब ईद मिल रहे थे। उसके बाद सबने तैयार होना था, तैयार होकर फिर ईदी का टाइम हो गया। इतनी गर्मी थी कि हम पहले नहाने के लिए मैं आयत को लेकर गई कि नहलाऊंगी, लेकिन इसे सब्र नहीं हो रहा था। सबसे पहले इसने मुझसे ईदी ली, फिर भाई के घर पर गए वहाँ पर, फिर यहाँ पर देखो अली मिल रहा है और सबको सबसे ईदियाँ ले रहा है, ऐसे मिल के सब ईदियाँ ले रहे थे। तो खैर बहुत अच्छे से यहाँ पर भी सारे बच्चे आस्ता आस्ता आते गए, कुछ जो बड़े हैं वो कैमरा पे नहीं आते। और हाँ, आयत का देखो मैंने हेयर कट किया था ना, बहुत शॉर्ट हेयर हो गए हैं और अब काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। ऐसा कटिंग वाला हेयर होना तो प्यारा लगता है बच्चों पे। पीछे से भी शॉर्ट किए और फ्रंट से भी बहुत शॉर्ट किए, ऐसे बिल्कुल आँखों में जा रहे थे। अब यहाँ पर ये मम्मी पापा के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही है, क्योंकि इनके पापा को यहाँ से निकलना है, और ये सोती है हमारे साथ नहीं, अपने पापा के साथ सोती है। अब सबको पता है रात को कुछ भी हो जाए, जैसे एक छोटे बेबी को माँ की ज़रूरत होती है ना, इसको अपने पापा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे थोड़ा इसके साथ टाइम स्पेंड किया, इसको थोड़ा पैम्पर किया कि ये थोड़ा ये है ना पीछे से एक बार बार याद ना करे, जिस वजह से उसके साथ बैठ रहे थे यहाँ पे, मस्ती मजाक चल रहे थे, ये जा रहे थे अपनी वाइफ के पास, साथ में थोड़ा बहुत इनके जो कपड़े वपड़े थे सामान लेके। दो तीन दिन का होगा इनका स्टे, यहाँ पे रास्ता समझा रहे थे डीडी भाई के, बीच में से जाओ तो ये सही है, लेकिन ये तो कह रहे थे नहीं मैं ऐसे सीधा सीधा रास्ता ही जाऊँगा, बीच वाला नहीं जाऊँगा। तो बस कड़कती तड़पती धूप में हम भागे भाई के घर पर, यहाँ पर ये नलका लगा हुआ है, ठंडा ठंडा पानी निकाल रहे थे कि इस पर जाना नहाते हैं, क्योंकि लाइट नहीं थी, और नहीं लाइट तो थी यहाँ पर, मोटर का भी वो था, मोटर शायद नहीं थी, तो मोटर भी यहाँ पर आ जाएगी। बस करो हैंड्री नहाओ नहाओ, कल तक यहाँ पे मोटर थी, अम्मी के घर पे जैसे है तो मोटर फिर वहाँ पे शिफ्ट कर दी, क्योंकि वहाँ पे नहीं थी और वहाँ पर ज़्यादा लोग थे, तो खैर अब यहाँ इस घर की भी मोटर आ गई, शुक्र है मोटर लग गई, पानी देखो शुरू हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, दोबारा YouTube फैमिली ऐसे गांव में हमारी ईद मनाई जा रही है। आयत को देखो, तैयबा को मेहला मम्मा की बारी, ओके नहीं नहीं मम्मा डाली डाली, ओके जल से बाहर निकला हूँ, उसी वक्त ऐसा लगता है किसी ने मेरे ऊपर ड्रायर मार दिया। वाओ, मैजिक, सादगी वाली ईद जी रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर, पानी वाली ईद मनाई जा रही है। अम्मा ये देखो मुझे 1000 रुपए ईदी मिली, आज बैठो आपको देती और जैसे हमने नहाना शुरू किया देखो हवा भी अभी चली, पहले कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा था, पहले देखो पत्ता उल्टा कह रहा था मैंने नीचे गिर जाना। ये देखो मम्मा जाकर हमारी गर्मी थोड़ा दूर हुई, इतना ज्यादा शदीद गर्मी थी। अम्मी को बोलो अम्मी भी नहा ले, चलो आए एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा बच्चों तंग नहीं करो, पहले इसको भरने दो इसको भर जाए फिर। मेरे पापा के सर पे बाल क्यों उतरे हैं, वो बहुत ज्यादा शैम्पू लगा रहे हैं। और ये इतना गरम शैम्पू है, इस वजह से
बोल रहा है कि कोई भी शैम्पू ना लगाए, वरना मेरे पापा की इतना गर्म शैम्पू है ये। हाँ शैम्पू बहुत गर्मी इतनी ज्यादा कि शैम्पू देखो कैसे पतला हो गया है। आप आइए, हाँ मैं एक दफा ना आए आपको सुकून मिल जाएगा। अम्मी भी नहाने के लिए आ गई। अम्मी देखो पानी ठंडा कैसे, अब नहीं अब लग ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा कि गांव में कोई गर्मी भी है, ऐसा सुकून मिल गया। गर्मी जाकर अब हमारी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, नहीं लगा मुझे खुद लगाएगी छोड़ मजा आ रहा है। बनाया हुआ यहाँ पर अपना, अरे ऊपर भी फेंको। चलो हमने बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया, अम्मी भी आई हैं, अम्मी बच्चे सब ने कर लिया, अभी जो चाचू आ गए। अब चाचू को नहला, चाचू को नहाना पड़ेगा, पानी डाल दे चाचू पानी आपके। चलो बहुत ठंडा पानी है, ऐसा लगता है बर्फ वाला पानी। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, पूरा भिगा दिया। चलो आज सुबह से जो है ना चाय इस वजह से नहीं पी थी, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से। अब इतना ठंडे पानी में हम नहा के हैं, तो अब आग पे बनी हुई चाय तो हम पी के जाएंगे। मजा आया, कितना मजा आया, ठंडा ठंडा चाचू मजा आया, बहुत मजा आया। माशाल्लाह गर्मी सारी खत्म हो जाती है ठंडे पानी से नहा लो ना, ऐसा लगता है गर्मी आई नहीं। यहाँ छत पे मैं बैठी थी अपना व्लॉग एडिट करने के लिए, अभी थोड़ा ठंडा लग रहा है ना, तो चाय भी हमारी आ गई। थैंक यू फातिमा, चाय नहीं तो हम 200 की बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी पर बनती इतनी महंगी बनती है। हाँ कितना मजे की होती है जो आग पे बना के आती है। फातिमा मुस्तफा का ईद का हमने ये व्हाइट लिया था, आए तो हम गांव में हुए, बस अपने कपड़ों का ख्याल रखना सही है। इसके तो ऐसे पैंट शर्ट कोई दोनों उसकी हालत नहीं होती, पता नहीं व्हाइट सूट की क्या हालत होती है आज। खींचो तीबा, नीचे नहीं लगे गंदी हो जाएगी। तो आज जो मैं ईद पे पहनने वाली हूँ वो फैशन ट्रेंड फॉर यू के पेज से मुझे ये ड्रेस आई है मेरे ख्याल से, तो साथ में ताइबा और आयत के भी हैं, दोनों की एक जैसी आई हैं। व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे और फैशन ट्रेंड फॉर यू के नाम से इंस्टाग्राम पे इनका ये पेज है। तो लग तो क्या फ्रॉक है ये ताइबा की, ये आयत की है। और ये स्टिच देखो इतना प्यारा हुआ है, फ्रॉक अभी पहनेगी ना, इतना प्यारा बना हुआ है। और ये रही ताइबा की ड्रेस, ताइबा पकड़ो अपने ऊपर रखो इसको, ऐसे सीधा करो उस साइड से, उस साइड से। हाँ पूरा एक मिनट पूरा है ना, चलो अभी पहन के तैयबा साथ। हाँ ये ट्राउजर है ऐसा बना हुआ है, काफी प्यारा है तैयबा आपका। हाँ ऐसा अच्छा लगता है। चलो और अब ये रहा मेरा, इसको भी खोल लेते हैं। इसका कलर मुझे काफी प्यारा लग रहा है, इसका ये दुपट्टे का कलर है, इसका दुपट्टा हो गया। खूबसूरती से इसकी भी साइडों से ऐसे लेस लगाई हुई है, काफी प्यारा लग रहा है ये। चलो जल्दी से अब मैं इसको पहनती हूँ, साथ में ये रहा ट्राउज़र और बाकी सेम वैसी फ्रॉक जैसे तैयबा और आयत की। जो का इतना प्यारा सिला हुआ था, देखो ये नीचे का है फ्रॉक का, जब पहनूंगी तो ये सही से समझ में आएगा। और इसके अलावा ये देखो टसल इतने प्यारे स्टार वाले लगाए हुए हैं। तो ये रहा प्यारा सा तैयबा का सूट जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। तैयबा पीछे से दिखाओ, पीछे से इतना अच्छा लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत ये स्टिच भी हुआ हुआ है। तो सब जा रहे हैं अभी, बच्चे सिटी जा रहे हैं सबके सब, ये देखो सब तैयार हो गए। और इनको डीडी भाई लेके जाने वाले, इनके पापा तो है नहीं, तो ये डीडी भाई के साथ सारे बच्चे जाएंगे। मुझे भी बोला मैं नहीं जा, मम्मा नहीं जा रही ना पीछे, तो आयत सो गई है, आयत घर पे है, आप जाओ, भाईजान भी जा रहे हैं। चलो ये देखो सबकी ईद की तैयारियां हैं, सब जा रहे हैं, भागो, ख्याल से अपने कपड़े नहीं गंदे करना। पहन ली कपड़े, पहन रहे आपके जूते, मेरा शहजादा भी रेडी हो रहा है, मम्मा का हीरो तैयार हो रहा है, मेरा हीरो। चलो बाहर चलो, एक पिक्चर खिंचवा लो फिर जाना। आज का ऐसा काला काला क्यों कैमरा पड़ रहा है? तो ये मेरे शहजादे की तैयारी रही। ईद मुबारक तो कर दो, ईद मुबारक मम्मा की जान। बच्चे मतलब लड़के जैसे थोड़ा थोड़ा बड़े होते जाते हैं, ऐसा सीरियस होते जाते हैं, मुश्किल से जवाब देंगे। देखो कौन कौन जा रहा है, इस गाड़ी ने तो रास्ता पूरा रोका हुआ है। माशाल्लाह ये तो फुल हो गए, सीटें कम है, अभी कैसे बैठोगे? बस मुस्तफा आगे चला जाएगा बस, लेकिन मुस्तफा कपड़ों का ख्याल करना अभी। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक, ऐसे वाली ईद मुबारक कर। आज तो इतनी प्यारी लग रही हो, मैंने तो पहली दफा देखा है इतना प्यारा। हाँ रेड मैंने कभी भी नहीं देखा। इधर से लिए, इधर पंजाब से तेरे
चलो बाय 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 बाय, ख्याल से जाना। आजाद भाई आप क्यों इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं? ये हमारे घर के सामने ही रहते हैं आजाद भाई, जो कि पहले बहुत ज्यादा शर्मीले थे, अब कैमरे को फेस करना सीख गए हैं। ये देखो बच्चे इनके साथ साथ इनके बच्चे भी मेहनती हैं। हाँ मेहनत तो शुरू हम बचपन से देख रहे हैं, आजाद भाई बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं। तो YouTube फैमिली अभी मैंने बच्चों को तो तैयार करके रवाना कर दिया, अभी मैं बची थी। यकीन करो नहा के आने के बाद ना कोई आधा घंटा लगता है, आधा घंटा तो सुकून मिल जाता है, उसके बाद जो गर्मी लगती है, ऊपर से जब ऐसे वाले नए कपड़े पहनो ना शादियों वाले ऐसे कपड़े ईद वाले, तो उसके साथ मेकअप मुश्किल है। लेकिन क्या है कि मुझे इंस्टाग्राम के लिए जिनका प्रमोशन का ये सूट आया उनके लिए सब कर रही हूँ कि अच्छे से पिक्चर क्लिक हो जाए। अगर नहीं भी होगा क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, सब बह रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं ये करूंगी कि कराची जाके अच्छी अच्छी पिक्चर बनाऊंगी। ओ आंधी आ गई है एकदम से, चाहिए कैसे तेज आ गई एकदम से, ये देखो एकदम से इतना तेज आंधी आ गई है। बस अब बाहर निकलने से तो रहे, अभी अम्मी कपड़े चेंज किए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो साहब? सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और अम्मी कपड़े जो चेंज नहीं किए वो तो बता दें। गर्मी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो किसी ने भी चेंज नहीं किया? किसी ने नहीं किया। अम्मी एक दफा ऐसे कर देना ईद मुबारक। कल कपड़े चेंज करूंगी आज। हाँ तो यहाँ पर मेरा मेकअप होते कंप्लीट, पसीना आप देख सकते हो, ये देखो पसीना अभी भी इतना निकल रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको ईद मुबारक दे दूँ। रही बात इनकी पिक्चर की, इनकी पिक्चर हम कराची जाके क्लिक करेंगे। बाहर ऐसी तेज आंधी चली हुई है ना, मट्टी मट्टी हो रहा है और अंधेरा भी अभी हो रहा है। तो ड्रेस तो मैंने आपको वैसे भी पूरा इसका दिखा दिया, बहुत ही खूबसूरत है, स्टिच भी बहुत अच्छा हुआ, पहनने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप सबको मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक। हैप्पी रहो, खुश रहो अपनी फैमिली के साथ, जितना टाइम आपको अपनी फैमिली के साथ मिलता है अच्छे से इंजॉय करो, अच्छे से खुशियाँ उनके साथ मनाओ, खुशियाँ बांटो, खुशियाँ मनाओ, क्योंकि कम टाइम होता है। देखो मेरे हस्बैंड के साथ जितना टाइम था मैं कोशिश करी थी कि अच्छे से अच्छा हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। अब देखो अब यहाँ पर ईद वाले दिन हमारे साथ नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं, वहाँ पे भी उनका जाना था, वो वहाँ पे भी उनकी वाइफ है, वो उनका वेट कर रही है, तो बस वहाँ पे वो ईद मना रहे होंगे और मैं आप सबके साथ ईद मना, अच्छी रील बनाएंगे, अच्छी पिक्चर बनाएंगे, सब कुछ कराची में जाके करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे मैं एक दो दिन हूँ, जब तक मेरे हस्बैंड अपनी वाइफ से होकर आते हैं एक दो दिन मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। बाकी आप सब बताओ आप सबकी ईद कैसी गुजर रही है? हाँ हमारी कुछ ऐसे गुजर रही है, ऐसी ठंडी ठंडी ऐसी प्यारी प्यारी, अब हवा आ रही है ना, थोड़ा पसीना सूख रहा है। ये देखो एकदम से ऐसे तेज आंधी आ रही है, ये देखो अब जाके चलिए शाम के टाइम पे। तो ये देखो ये रही खूबसूरत सी मैक्सी, किसी को भी इस तरह की मैक्सी इस तरह का सूट चाहिए हो तो फैशन ट्रेंड फॉर यू पे जाइएगा पेज इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे ही आपको ऐसे खूबसूरत सी ड्रेस मिलेंगी। इनके कलर कॉम्बिनेशन बहुत मुझे अच्छा लगता है, जैसे नारायण का गान में एक मैंने इनका ब्लू पहना था, एक मैंने येलो पहना था, तो इनके ऐसे कलर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे आज ये वाइट बहुत प्यारा सिला हुआ है और साथ में ऊपर ये जो पिंक कलर का दुपट्टा दिया ना, इसने इसको चार चांद लगा दिए, और पीछे देखो टसल भी स्टार वाले हैं। स्टोव मैंने नहीं खोला, पता है क्यों नहीं खोल रही? मैं कराची में जाके अच्छी सी रील पिक्चर बनाएंगे, अभी अंधेरा भी हो रहा है। और बाकी इसके अलावा भी बच्चे गए हुए हैं, सिटी गए हैं, घूम फिर हम अपना आइसक्रीम खाएंगे, आज इंजॉय करेंगे अपनी ईद को। अम्मी चाचू अंदर बैठे हैं, किसी ने कोई तैयारी नहीं की, बस एक मैंने कपड़े पहन लिए चेंज कर। गाइस कैसा सब, उम्मीद करता हूँ सारे के सारे ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी इंडिया के सारे सपोर्टर्स को जो हमें इंडिया से सपोर्ट करते हैं, तो अब मैं बताता हूँ सॉरी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम इंडिया गए थे तो हमने जैसे नहीं कश्मीर गए थे तो जब हमारे सामने इंडिया का पहाड़ था तब मैंने उनको देखकर ये कहा था कि इंडिया के जो लोग हैं वो अपने सबसे बड़े एनिमी के सामने रह रहे हैं। तो मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था कि इंडिया हमारा एनिमी है, मैंने कहा था कि इंडिया सबसे बड़ा एनिमी यानी कि पाकिस्तान के सामने रह रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में पता नहीं किन बात पर लड़ाई होती थी, लेकिन अभी नहीं होती, अभी तो दोनों मुल्क आराम से रहते हैं और बहुत से लोगों की इनमें बातचीत भी होती रहती है। और यहाँ से लोग इंडिया भी जाते हैं, जो इंडिया यानी कि जो उनको इंडिया से बुलाते हैं, तो अब तो फ्रेंडशिप है लेकिन पहले दुश्मनी थी। तो मैं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा सॉरी करना चाहता हूँ। और जो है ना इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात कहूँ तो इंडिया मेरा ड्रीम कंट्री है, लिटरली मैं हमेशा अपनी मम्मा को कहता हूँ
कि जब से मैंने वर्ल्ड कप का सुना था ना कि वर्ल्ड कप इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है और इंडिया भी जा सकते हैं पाकिस्तान वाले, तब से मैंने मम्मा को यही कह रखा है कि आप मुझे बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं दो, आप जो है ना मुझे इंडिया ले चलना जब वर्ल्ड कप इंडिया में वर्ल्ड कप होगा। और इंडिया के अंदर मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान, सौरभ जोशी और भी बहुत से हैं जो कि मुझे पसंद हैं। तो इंशाल्लाह अगर हो सका तो हम भी इंडिया आएंगे। एंड बहुत ज़्यादा सॉरी क्योंकि तब से मेरी मम्मा मुझे कह रही हैं कि जब से आपने ये बात कही है ना, तब से बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पर इधर उधर मैसेज कर रहे हैं कि ये जो है ना मुस्तफ़ा ने बात अच्छी नहीं कही। तो उन्हें सब लोगों को, इंडिया के हमारे सारे सपोर्टर्स को अ लॉट ऑफ सॉरी। तो यहाँ पे तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं, जैसे मैंने वो वीडियो बना उसके बाद फिर मेहमान आ गए। तो मेहमान फिर मेहमान अम्मी यहाँ पर काफ़ी सालों बाद यहाँ पे ईद कर रही हैं। जैसे हर किसी का मिलना जुलना आना जी, मुझे चॉकलेट चाहिए इस टाइम पे चॉकलेट। तो उसके बाद बस सबका आना जाना जैसे शुरू हुआ ना, कभी कौन आ रहा है कभी कौन आ रहा है, तो बस फिर जाहिर सी बात है सब फैमिली वालों के साथ जैसे सब बैठे होते हैं, कोई वीडियो में नहीं आता, किसी को ब्लॉग में नहीं ले सकते, तो कोई क्या, तो इस वजह से वीडियो शूट नहीं की। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज का हमारा व्लॉग वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच। कल मिलूंगी एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हाफिज़। बाय बाय। देखो सबसे पतले वाले कपड़े निकाल के मैंने पहने, मैंने फ़ौरन से जाके वो चेंज किया। पानी। जी ओ। पानी। किस लिए लेके आई हो? मम्मा को गर्मी लग रही थी। हाँ गर्मी में बैठी थी मम्मी, सदके मेरा बच्चा।